दोस्तों मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं आर एस फैशन डिजाइन और बुटीक। तो आज दिखाएंगे हाफ कॉलर सूट का कटिंग एंड स्टिचिंग का भी वीडियो, आप दूसरे में देख लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि ये नापी भी आपको बताएंगे तो आसानी होगी कटिंग करने में। बॉडी नाप दूसरा होता है और कपड़े से कपड़े नाप दूसरा होता है। तो देखिए लंबाई जो है मेरा 36 इंच है, चलिए 36 इंच लिख लेते हैं। आप जो है चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे कि मेरा चेस्ट कितना है। देखिए चेस्ट नापी करने का सही तरीका ये देखिए। अब जो चेस्ट है मेरा वह है 34 इंच 34 इंच और ये भी लिख लेंगे। अब मापी करेंगे बेस्ट यानी कि पेट। आप मापी लेने समय जो है बिल्कुल शांति से आराम आराम से मापी लें, जिससे परेशानी ना हो और कटिंग भी परफेक्ट हो और स्टिचिंग भी परफेक्ट हो, क्योंकि सारा मेजरमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो देखिए बेस्ट मेरा आ रहा है 28.5 यानी कि 28.5 इंच, ये भी नोट कर लेंगे 28.5 इंच। ओके, अब जो है ये जो मेरा हिप होता है लेडीज का, जितना चेस्ट होता है उतना ही रख लेते हैं, बट मेरे पास नापी है तो इसे मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए लगभग मेरा उतना ही आ रहा है, 24 ही बना देंगे। किसी का हिप ज़्यादा होता है किसी का कम भी होता है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और ये शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो शोल्डर मेरा आ रहा है 13 इंच यानी कि 13 इंच, इसे भी नोट कर लेंगे। उसके बाद जो बाजू मेरा बच जाता है स्लीव्स यानी कि बाहीं, बाजू का लेंथ लंबाई, तो इसे भी मापी कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा आया 16 इंच, तो इसे भी नोट कर लेते हैं 16 इंच, 16 इंच अब स्लीव्स का जो है घेरा देख लेंगे कि स्लीव्स का मेरा घेरा कितना है, बाजू का घेरा। ये देखिए मेरा बाजू का घेरा 4.5 यानी कि 9 इंच आ रहा, 9 इंच इसे भी नोट कर लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरा मेजरमेंट हुआ। अब इसे अच्छी तरीके से आपको बताएंगे समझाएंगे। और चलिए दावन जो है दावन भी मेजरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आजकल दावन ज़्यादा चौली हो जा रही है तो दिक्कत हो जा रही है, कस्टमर से बात सुनना पड़ जा रहा है, इसलिए दावन भी मेजरमेंट कर लेंगे। तो मेरा दावन जो है वो 17.5 आया यानी कि 18 बना सकते हैं। चलिए हमने 18 नोट कर लिया। चलिए अब जो है नापी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जो लंबाई है 36 इंच, चेस्ट है 34 इंच, बेस्ट है 28.5 इंच और हिप जो है 34 इंच, शोल्डर 13 इंच और स्लीव्स का लंबाई 16 इंच और 9 इंच घेरा दावन 18 इंच। तो चलिए आप नापी को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद जो है कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये जो मेरा न्यू कपड़ा इसे फोल्ड कर लिए हैं, ये आरा में फोल्ड किए हैं और ये जो मार्कर हमने लगाया है वो बॉडी के हिसाब से, तो ये हम 12 इंच लगाए हैं, इसमें मेरा हर चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यही चेस्ट ज़्यादा रहता तो 13 लगाते, 12.5 लगाते, क्योंकि मेजरमेंट करके लगाने से कपड़ा मेरा बचत होता है। और ये जो हम कटिंग करेंगे ये आरा में कटिंग करेंगे फ्रेंड, क्योंकि आजकल सूट का जो है कपड़ा बहुत कम आ रहा है, इसलिए पहले ही मेजरमेंट करके देख लिया जाता है कि आरा में मेरा हर चीज़ खर्चा निकल जाएगा या खारा में, खारा में हो तो बेस्ट होता है सूट, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो
आप खारा में ही कटिंग करें। तो चलिए, मेरा जो लंबाई है वो 36 इंच है, तो ये देखिए आधा इंच बढ़ाकर हम मेजरमेंट लगाएंगे, मार्का लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से मेरा स्टिचिंग हो जाती है। उसके बाद जो है 1.5 इंच का हम मार्का लगाएंगे। नीचे से जो दामन फोल्ड होती है वो 1.5 इंच का होता है। उसके बाद जो दूसरा हम मार्का लगाएंगे वो 6.5 का लगाएंगे चेस्ट का, और जो तीसरा मार्का लगाएंगे वो 13.5 से 14 इंच पर लगता है, तो 13.5 पर लगाएंगे। और जो हिप का लगा है वो 21 इंच से 22 इंच तक लगता है। अब 21 पर लगा ले या 22 पर लगा ले, लंबाई के ऊपर जितना ज़्यादा लंबाई होता है उसके नीचे आप हिप का लगा सकते हैं। और हर मार्का को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो हमने चेस्ट का मार्का लगाया है फ्रेंड 6.5 पे, अगर 34 से कम है 33, 32, 32 तो आप 6 पर लगाएं, क्योंकि आर्म होल कम ज़्यादा भी कटिंग की जाती है चेस्ट के हिसाब से। तो मेरा चेस्ट जो है वो 34 इंच है, तो 8.5 × 34 हो जाएगा, 8.5 × 34 होगा। और मेरा ये बेस्ट जो है 28 है, तो ये 7 इंच एक सूत लगाए हैं मरका, और इसे भी हम 4.5 मरका, और इस यहाँ भी हिप का भी हम 8.5 मरका लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो मरका लगाया था 18 इंच दावन का, तो यहाँ 9 इंच पे मेरा 9 दिनी का 18 इंच दावन हो जाएगा। ये देखिए शोल्डर का जो हमने मरका लगाया 13 इंच, उससे आधा इंच बढ़ा कर लगाएंगे, क्योंकि स्टिचिंग होती है और मोल जो मेरा सिलाई होता है वो स्टिचिंग में जाती है। और ये हमने जो मार्का लगा रहा है ये मेरा गला बनेगा, आगे गला का डिजाइन, इसलिए हम इतना हाक छोड़ देते हैं, क्योंकि शोल्डर मेरा हल्का तिरछा होता है, ढूलता है, तो ढूलता है, तो जितना में मेरा गला बनेगा उतना कपड़ा छोड़ कर ही ढुलाते हैं। ये देखिए ये जो मेरा ढूल रहा है हुए 1.5 इंच 1 इंच 1.5 इंच तक ढूलती है, तो हम 1.5 इंच ढुलाएंगे। और ये जो हमने तिरछा मार्का लगाए हैं ये 5.5 पे मार्का लगा के तिरछा एक मार्का लगा लिए हैं, उसके बाद में राउंड दे दिए, मेरा आर्म होल का हो गया। अब क्या करेंगे कि ये सेफ फ्रंटी है, चेस्ट को रखेंगे और बेस्ट तक रख कर मिला देंगे, फिर बेस्ट से रखेंगे और हिप तक मिला देंगे। ये मेरा मार्का हो गया। अब स्ट्रेट मार्का लगा देंगे दामन से लेके हिप तक, ओके। और नीचे जो दामन होती है अगर हल्का राउंड नहीं कीजिएगा तो कोन जो है हल्का लटका टाइप का लगता है, अच्छा नहीं दिखता, इसलिए आप जो है राउंड कर दें। और ये देखिए जो हम मार्का यहाँ पे लगाएंगे 1.5 इंच का लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, और ये 2 इंच का लगाएंगे, और चेस्ट के ऊपर भी 2 इंच का लगाएंगे, और सबसे नीचे जो दावन है वहाँ भी 1.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा दावन बनेगा 1.5 इंच कपड़ों में दावन बन जाती है, और 2 इंच ऊपर छोड़े हैं कि कभी भी घटाने बढ़ाने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अब जो है इसके ऊपर कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे कभी कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए इसका बैक पला किस तरीके से कटिंग होगी, इसका स्लीव्स जो है बाजू किस तरीके से कटिंग होगी, बहुत ही स्टेप बाई स्टेप हमने इस वीडियो में बताया है। और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, या अदर कोई वेबसाइट पर देख रहे हैं तो ऐप्स भी देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे और सीखते रहें।
ये देखिए जहाँ जहाँ पे मेरा फोल्ड होती है वहाँ पे नोचिस लगा देंगे, ताकि मेरा दूसरा पल्ला में भी पता चल जाए कि यहाँ से मेरा मरका था। इसलिए नोचिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोचिस कहीं भी ना छोड़े कटिंग करने के बाद। और ये देखिए अब जो है हम बैक पल्ला को कटिंग करेंगे, जितना हमने फोल्ड किया था 12 इंच सेम उतना ही फोल्ड करेंगे बैक पल्ला कटिंग के लिए। और हाफ कॉलर में जो है मेन जो कटिंग होती है वो बैक पल्ला का होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बैक पल्ला कटिंग आप पूरा देखें कि बैक पल्ला कितने लोग जो है बराबर कट कर देते हैं और वो नहीं बैठता है, ये प्रेस मार के आप रखेंगे तो बैठेगा नहीं, पहनने में बैठता है। इसलिए बैक पल्ला किस तरीके से कटिंग होती है आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सीखें। चलिए इतने में मेरा आराम से आ जाएगा, 12.5 आसपास मेरा फोल्ड हुआ है और कहीं उच्च खाल भी है और मेंटेन हो जाएगी। और ये नाखून बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नाखून आप लगा देंगे तो कपड़ा बैठ जाता है, इधर उधर नहीं होता है। और इसके ऊपर जो है फ्रंट पल्ला जो हमने कटिंग किया है कुछ इस तरीके से इसके ऊपर बिछा देंगे, और बिछाएंगे तो इस साइड से देख लेंगे कि मेरा कपड़ा कहीं बाहर को भाग तो नहीं रहा, अंदर को तो नहीं भाग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बराबर बिछाएंगे। और सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे और हाफ कॉलर हो तो ये देखिए हाफ कॉलर या फुल कॉलर में 1.5 इंची ऊपर उठाते हैं, ये मेरा 1.5 इंच बड़ा रहता है ओके। और ये जितना हम मार्किंग दिए हैं गला बनाने के लिए सेम उतना ही ऊपर भी मार्का लगा लेते हैं, और यहाँ भी 1.5 इंच माइनस रखते हैं, यहाँ से 1.5 इंच 12 मार्का लगाएंगे, ऊपर से यहाँ से 1.5 इंच मार्का लगाएं, फिर वहाँ से भी 1.5 इंच मार्का लगाएंगे, और जितना शोल्डर था शोल्डर पे मार्का लगा के। और ये देखिए ये जो हम मार्का लगाए थे उससे जो है 1.5 इंच आगे में है मार्का लगाएंगे, क्योंकि बैक पल्ला जो है बढ़ रहता है उतना, ये देखिए हमने जितने भी मार्का लगाया उसे 1.5 इंच आगे की तरफ मार्का लगाया, और ये इतना बड़ा होना चाहिए बैक, क्योंकि पीछे का जो बैक होता है वो चौड़ा होता है, फ्रंट का कम होता है राउंडर होता है। और जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से हम अब सेम कटिंग कर देंगे, नीचे से डाउन का पोजीशन और बेस्ट का और ऊपर का शोल्डर और आर्म होल में मेरा ज़्यादा रहेगा। सेम इसी तरीके से आप कट कर लें, और इसी तरीके से कट करके आप स्टिचिंग करें, बहुत ही बेस्ट होगा आपका सूट। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और आप मेरे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और आप सैरिट वगैरह अदर एप्स पे देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें, और बने रहे मेरे इस चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और भी चीज़ का आपको कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए तो मेरा प्लेलिस्ट एक बार चेक ज़रूर करें, वहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगी और सीखने को भी मिलेगी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, तो इसलिए मेरा चैनल एक बार चेक ज़रूर करें, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। और आपको जहाँ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, उस हिसाब से उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या कमेंट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, और दूसरों को भी एक बार मौका ज़रूर दीजिए शेयर करके। आप मेरे वीडियो को जो है लिंक जो है शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अदर वगैरह कोई भी
वेबसाइट पे शेयर ज़रूर करें। अब जो कटिंग करेंगे वो स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्लीव्स का कटिंग किस तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बारीकी से समझाया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये लंबाई से हमने फोल्ड कर दिया, और ये जो मेरा बाजू का फोल्ड हुआ, ये चार फोल्ड हुआ है, क्योंकि चार फोल्ड हुआ तो ज्वाइंट में मेरा दो बाजू कन्फर्म आएगा। तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, और इससे भी बड़ा बाजू चाहिए तो आप खारा में ही कटिंग करें। आपको 18 तक इसमें आ सकता है, 16 तक आराम से आ सकता है, और इससे ज़्यादा लंबाई चाहिए तो आप खारा में कटिंग करें। और इसे देखिए किस तरीके से हम कट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम दो नीचे से जो है आधा इंच का जो पारा है उसको मार्क लगा दिए हैं, उसके बाद जो है 1.5 इंच का मार्क लगाए हैं, और जितना लंबाई है स्लीव्स का 16 है तो हम 16.5 पे मार्क लगाएंगे, या 16.5 से 2 फुट ऊपर लगा देंगे 17.5 पे। को कितने लोग बाजू जो है ज़्यादा पकड़ के स्टिचिंग करते हैं, तो आप 1/2 इंच पकड़ के स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच ही बढ़ाकर लगाएं, और 1/2 इंच से ज़्यादा पकड़ के स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच से हल्का ज़्यादा ऊपर मार्क लगाएं। और ये देखिए जितना मेरा स्लीव्स है, आर्म होल हमने जितना कटिंग किया है, और उसे माप कर लेंगे, फोल्ड कर माप लेंगे, और उसी के अनुसार इसे भी मार्का लगा देंगे। तो इस तरीके से हम जो मार्का लगाए हैं 16.5 पे, सॉरी इस तरीके से जो मार्का लगाए हैं वो 6.5 पे अतिरिक्षा किए हैं, तो 7 आ गया। ये देखिए, और इस तरीके से राउंड हम ढुला देंगे। ये जो हम ढुलाए हैं 3 इंच का ढुलाए हैं, और सेम उसी तरीके से 2 इंच का हम मार्का निकाल देंगे, और इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। वो कट करेंगे तो आगे जो हम मार्क लगाए हैं यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि बाजू मेरा कभी भी बढ़ाना हो तो आसानी से बढ़ा सके। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्त तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वेबसाइट पर आप देख रहे हैं जैसे कि फेसबुक और शेरिट वगैरह बहुत एप्स जो है मेरा वीडियो आपको देखने को मिलेगी, उसे भी फॉलो कर लें। और भी वीडियो देखना है यूट्यूब पे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में वीडियो शो होगी, उस पर क्लिक करते हैं वीडियो आप देख सकते हैं। और भी वीडियो चाहिए आपको कटिंग एंड स्टिचिंग का तो मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। प्रतिदिन आपको एक वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो आपको सिखाऊँ, कोई नया चीज़ सिखाऊँ, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमेशा आप लोग खुश रहा करें। और देखिए आपके ऊपर वीडियो शो हो रही होगी तो क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।